नई रेसिपी ले आओ, उसको आप तो आसानी से अपने टिफिन में रखकर ले जा सकते हैं। आए मेरे साथ, मैं बता रहा। तो भाई हमें ले लेना है ये शॉप ये वाला जो स्पाइसी नूडल्स होते हैं, हमें वो ले लेना है। स्पाइसी नूडल्स शॉप के यहाँ लिखा है शान, यानी कि ये शान के हैं। और ये है मोज़रेला चीज, देखें ये किस कंपनी की है, जरा आदम्स की कंपनी की है ये दोस्तों, आदम्स की कंपनी की। देखिए ये लिखा हुआ भी है आदम्स। अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अपनी जो हम लोग चीज बना रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने देचकी और पैन ऑयल डालकर, यानी कि हम लोग देचकी में नहीं ऑयल डाले, हम लोग पैन में ऑयल डालकर उसे गर्म कर देंगे। हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन ये वाले 2 कप पानी, ठीक है। 2 कप पानी हम लोग इसमें डाल देंगे भाई। इससे क्या होता है, इससे हमें आसानी से पता लग जाता है कितना डालेंगे। आप सभी ये बाय करें, बहुत अच्छी चीज है। और हम लोगों ने लेने अपने स्पाइसी नूडल, उनको खोल के डाल देना है ये प्लीज देचकी में। यो भाई क्या मजेदार, सारे डाल दिए हम लोगों ने। ये हमारे नूडल्स जो हैं अब बन चुके हैं, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी इसके अंदर ड्राई हो चुका है। नॉर्मल होने के लिए रखते हैं और हम तब तक बनाते हैं इसका बाकी बैटर। तो हम लोगों ने एक बाउल ले लेना है, उसमें हम लोग अपने ये सारे प्याज डाल देंगे, ठीक है। ये प्याज डाल दिया हमने बीच में। अब हमारे पास है मैगी का ये मसाला जी, और अब हम लोग अब मैगी का मसाला डाल दें। मैगी का मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया। तो मैगी हम डालेंगे इसके अंदर चीज, चीज हमने इसमें से निकाल लिया। अब हम इसे पीसेस में इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा ये हमारे पास है तकरीबन 15 ml, ठीक है। 15 ml होता है 1 tablespoon, ठीक है। ये हमारे पास 1 tablespoon है। ये हम इसमें हम शामिल कर रहे हैं मैदा, ये हम डालेंगे तकरीबन 2 tablespoon, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया। अच्छा अब इसमें हम सुरख मिर्च डाल रहे हैं 1/4 tablespoon, ठीक है। क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखें ये हमारा बिल्कुल बैटर तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं मैं आपको बता। ये पैन हमने गरम कर दिया, ठीक है। फ्लेम ऑन करके हम रख दिया, इसमें हम डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। अच्छा जी अब भी हो गया हमारा पैन गरम, और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा प्रेस करने, ऊपर से फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। फाइनल लुक
ये कितने मज़े के फ्राई हो गए। ठीक है, इसे आपने बहुत स्लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और तब तक पकाना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अब ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। हमारे ये भी तकरीबन बन चुके हैं और इसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो रही है, इसमें चीज़ का टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। ये हमने डिश आउट कर लिया है और हमारी ये फाइनल लुक इसकी, ये